वंदे मातरम। दोस्तों आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइन है, पूर्वी आकाश एक्सरसाइज 2023 में शामिल हुआ LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। आर्चर UAV 2024 के अंदर अपना इनिशियल वेपनाइज फ्लाइट टेस्ट को कंप्लीट करेगा। बनाया गया और एक खास तरह की ड्रोन्स इंडियन आर्मी के लिए। पाकिस्तानी मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है इंडिया की आकाश मिसाइल प्रोग्राम को लेकर। ISIR ने HL के साथ साइन किया MOU एयरोस्पेस कोलैबोरेशन के लिए। जैसे हम पहले आपको बताए थे कि 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक इंडियन एयर फोर्सेस की एनुअल कमांड लेवल एक्सरसाइज पूर्वी आकाश, तो इस एक्सरसाइज की शुरुआत हो चुकी है और जिसमें इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड भी शामिल है। तो इससे जुड़े अपडेट ये है, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत का स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पे लैंड हुआ है और LCH प्रचंड इस एक्सरसाइज के हिस्से की तौर पर अलग अलग तरह की कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग तरह की सिस्टम्स और ग्राउंड फोर्सेस के साथ संयुक्त रूप से ट्रेनिंग में शामिल है। और इससे जुड़े कुछ फोटोज इंडियन एयर फोर्सेस की ईस्टर्न एयर कमांड की ट्विटर हैंडल से शेयर की गई थी। बाकी इसके अलावा और एक अपडेट ये है कि इंडियन आर्मी चीफ यानी कि जनरल मनोज पांडे ने सियाचिन ग्लेशियर को विजिट किए थे। विजिट के दौरान उन्होंने ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस की समीक्षा की थी और सियाचिन वॉर पर दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दिए है। Gens.com के साथ खास बातचीत में AD ऑफिसर ने आर्चर UAV के डेवलपमेंट और टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ नई डिटेल्स को डिस्क्लोज किए हैं। जैसे कि AD ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि आर्चर UAV के फ्लाइट टेस्ट बेस पर काम कर रहा है और इस बात को लेकर पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो जून 2024 तक इस आर्चर UAV के इनिशियल वेपनाइज फ्लाइट टेस्ट बेस को कंप्लीट करने में सक्सेस होंगे। ये जो आर्चर UAV है, ये एक वेपनाइज शॉर्ट रेंज का अनमैन एरियल व्हीकल है जो कि रुस्तम 1 टैक्टिकल UAV पर आधार है। रुस्तम 1 को खास तौर पर ISR यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉन्सिलेंस मिशन के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इस आर्चर वाली परियोजना की तहत इस रुस्तम 1 को रिमोडिफाइड किया गया है ताकि ये आर्म मिशन को भी परफॉर्म कर सके। बाकी आर्चर UAV कुछ कमांड की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के साथ आएगा, जैसे कि 22,000 फीट ऊंचाई तक ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी, 12,000 घंटे की इंड्योरेंस टाइम वाली कैपेबिलिटी। इसके अलावा अपने साथ एडवांस इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल और इंफ्रारेड पेलोड को कैरी करने में भी सक्षम होगा। ये टारगेट को और भी प्रभावित तरीके से आइडेंटिफाई एंड ट्रैक कर सकता है। और आपको ये भी बता दे कि इस आर्चर UAV के दो अलग अलग तरह के वर्जन होंगे। एक होगा बेसिक वर्जन, जैसे SR UAV W के नाम से जाना जा रहा है, और दूसरा वर्जन होगा आर्चर NG। NG का मतलब है नेक्स्ट जेनरेशन, और इस NG में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विप्ड किया जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फ्राइडे को गांधीनगर वेस्ट राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में एक इवेंट के दौरान इंडियन आर्मी की नॉर्थन कमांड को स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए एक खास तरह की रोस्टर ड्रोन हैंडओवर किए जाएंगे और इन ड्रोन्स को इंडियन आर्मी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन के साथ इसको विकसित किया गया है। और इस तरह की 3 ड्रोन्स बनाए गए हैं और इन ड्रोन्स की खास बात यह है कि ये रोबोट और ड्रोन्स दोनों की कैपेबिलिटीज मिली है, जिसके चलते ये जो ड्रोन्स है ये जमीन में किसी भी रोबोट की तरह रोल भी कर सकता है और हवा में किसी भी तरह ड्रोन्स की उड़ान भी भर सकती है। और ये स्पेशल सर्विलांस पर्पज के लिए होंगे और इसके लिए उसमें कैमरा सिस्टम लगाया गया है। और इस ड्रोन्स के बारे में जानकारी देते हुए ऑफिसर्स का ये कहना था कि ये जो ड्रोन्स है ये किसी भी बिल्डिंग की टॉप पर या विंडो सील पर लैंड कर सकता है और फिर वहाँ से आसानी से डिटेल्स को काफी चुपचाप तरीके से कैप्चर कर सकता है। और ये जो 3 ड्रोन्स बनाया गया है, तीनों ड्रोन्स को एक सिंगल कंट्रोलर से भी ऑपरेट किया जा सकता है और एक सिंगल ड्रोन्स की रेंज है 400 मीटर। इन ड्रोन्स में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है वो पूरे तरीके से स्वदेशी है और ये जो ड्रोन्स है ये हमारे फोर्सेस को खास तौर पर इस लोकेशन पर ऑपरेट करने में मदद कर सकती है जहाँ पे क्लोज स्पेस में ऑपरेट करना पड़ता है, जैसे कि जंगल वाले एरिया या फिर ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे बिल्डिंग्स है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में प्रोपागंडा फैलाने वाली मीडिया समर TV तरफ से भारत के आकाश मिसाइल प्रोग्राम को लेकर एक नई तरह का प्रोपागंडा फैलाने की कोशिश करी थी, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल जारी करके भारत की आकाश मिसाइल प्रोग्राम को क्रिटिसाइज किया और कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करी थी कि आकाश मिसाइल में जो भी बताया गया है वो केवल भारत द्वारा फैलाया गया प्रोपागंडा है। फिर चाहे वो दूसरी कंट्रीज द्वारा इस मिसाइल को खरीदने की दिलचस्पी दिखाना हो या फिर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को दिखाना। और इसी प्रोपागंडा एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते हुए
समा टीवी ने सो कॉल्ड सोर्सेस के हवाले से ये लिखा कि आकाश मिसाइल प्रोग्राम अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज पर है और ये एक्सपोर्ट के लिए अभी तक तैयार नहीं है और इसमें इसके रेडर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, सेंसर, इन सभी में इश्यूज है। और ये भी लिखा कि लाइव टेस्ट के दौरान करीब 43% तक की आकाश मिसाइल फेल हुई है। पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकता है इंडिया की सक्सेस को देखकर। खैर छोड़ो, हम अगले हेडलाइन पे चलते हैं। इस हफ्ते की गुरुवार को CSIR NIIST ने HAL के साथ एक MOU साइन किया है और जिसके तहत भारत की एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में कोलैबोरेट करेंगे और जिसमें मैग्नेशियम और एल्युमिनियम एरो का कोस्टिंग भी शामिल है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जानते हैं इंडिया की पहचान।